वक्र तुंड महाकाया सूर्य कोटि शम पर्व निर्विघ्नम कुरुमे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन सांडिल प्रतिदिन की तरह फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने और सबसे खास लोकप्रिय कार्यक्रम कुंडली दर्शन में। दर्शकों, आज का हमारा टाइटल टैग है बेलपत्र और कच्ची लस्सी से मिलेगा पितृ दोष से मुक्ति, और साथ में जानेंगे कुंडली के सातवें भाव। कुंडली के सातवें भाव में यदि हमारे जीवन में पितृ दोष की समस्या उत्पन्न होती है तो क्या होती है समस्या, कैसे मिलेगा इसका समाधान और किस प्रकार से करें इसका उचित निदान। तो दर्शकों, आज बिना वक्त गवाए आज हम आपसे बात कर रहे हैं बेलपत्र और कच्ची लस्सी, मात्र इस दो चीजों से, मात्र अपने इस छोटे से उपाय से आप अपने जीवन की इतनी बड़ी इतनी विकट समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं और फिर पा सकते हैं जीवन में आनंद ही आनंद और परमानंद की प्राप्ति होगी आपको। तो दर्शकों, आज हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना देना चाहेंगे आपको। यदि आप चाहते हैं कि प्रतिदिन आपको एक नए विषय के बारे में आसान उपाय और आपकी कुंडली का संपूर्ण कुंडली दर्शन आपको पता चले, तो आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बाद एक बेल का ऑप्शन होगा, आप बेल भी कर सकते हैं। और अगर फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं तो इसे लाइक करना शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो दर्शकों, आज हम इस छोटे से उपाय से अपने जीवन में आई समस्याओं का समाधान जरूर कैसे प्राप्त होगा इस बारे में करते हैं विचार। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि कुंडली के सातवें भाव में, क्योंकि अब तक मैंने आपको कुंडली के छठे भाव में किस प्रकार से समस्या आती है और कैसे करते हैं समाधान पितृदोष से, उसके बारे में आपको अपने पहले के वीडियो में बता रखा है। तो आज के लाइव एडिशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य का संबंध राहु या केतु के साथ हो जाए, ध्यान दें, यदि आपकी भी कुंडली में बनता है सूर्य का संबंध राहु और केतु से, तो बनता है आपके कुंडली में पितृदोष का निर्माण। और ऐसे में एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि यदि सूर्य नीच राशि का हो, मान के चलो आपकी कुंडली में सूर्य तुला राशि का बैठा हो, उस पर यदि राहु का संबंध हो जाए, या मान के चलो आपकी कुंडली में सातवें घर में राहु वृश्चिक राशि में बैठा हो, उस पर सूर्य का संबंध हो जाए, या मान के चलो आपकी कुंडली में केतु वृषभ राशि में बैठा हो और सूर्य का संबंध उससे हो जाए, तो ऐसे में नीच ग्रह, एक नीच के ग्रह के साथ बनने से जो पितृदोष बनता है साधारण पितृदोष से वो अत्यंत ही घातक और कई बार तो जानलेवा तक साबित हो जाता है। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के सातवें भाव के बारे में कि हमारे जीवन में यदि हमारी कुंडली में सातवें भाव में पितृदोष की समस्या उत्पन्न होती है तो कैसे पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अब बताएंगे इससे समस्या क्या क्या होती है। यहां ध्यान देने वाली बात है दर्शकों कि यदि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक सुनते हैं लास्ट तक देखते हैं तो आपके जीवन में भी अगर इससे मिलती जुलती कोई समस्या आ रही है तो हम आपको आगे जो उपाय बताने वाले हैं, इस उपाय से आप करके, इस छोटे से उपाय से करके आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं से पा सकते हैं मुक्ति, क्योंकि आज हम आपको उपाय बताएंगे बेलपत्र और कच्ची लस्सी की युति। तो दर्शकों, यहां पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि यदि हमारी कुंडली में सातवें भाव में सूर्य का संबंध राहु या केतु के साथ हो जाए और पितृदोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे में जातक को खास करके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा समस्या होती है, दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा समस्या होती है, क्योंकि सातवां घर जो विशेष करके माना गया है, शास्त्रों में माना गया है, वैदिक महात्म्य में माना गया है, हमारे सनातन धर्म में माना गया है, हमारी वैदिक सभ्यता संस्कृति में माना गया है, हमारे हिंदू धर्म में माना गया है कि सातवां जो घर होता है वो वैवाहिक घर का भी घर होता है। और ऐसे में यदि सातवें घर में पितृदोष का निर्माण बनता है तो निश्चित रूप से हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत ही ज्यादा समस्या होती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार ऐसे जातक या जातिका जिसके सातवें घर में पितृदोष का निर्माण होता है, ऐसे जातक या जातिका के विवाह में बहुत ही ज्यादा समस्या होती है। कई बार घर है तो वर नहीं, वर है तो घर नहीं, लड़के वाले को लड़का नहीं पसंद या लड़के वाले को लड़की नहीं पसंद, दोनों पसंद तो बात ना बने और बात बने तो कुंडली ना मिले। लेकिन
कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कुंडली भी मिल गई लेकिन बात बन गई, अंतिम समय में शादी की डेट फाइनल हो गई, लेकिन किसी कारणवश होता क्या है कि लड़के वाले या लड़की वाले के घर में किसी को अचानक कोई दुर्घटना का शिकार हो गया, छूतक पड़ गई, आप भी जानते हैं छूतक पड़ जाना, छूतक पड़ गई, इसके वजह से शादी टाल दिया गया, विवाह टाल दिया गया। अब जिसके तरफ से सूतक लगी, सामने वाला अगर लड़के वाला पक्ष है या लड़की वाला पक्ष है, जरूरी नहीं है कि वो आपके लड़के या लड़की के लिए इंतजार करे एक साल और, वो हो सकता है आपके रिश्ते को ठुकरा के किसी और रिश्ते से भी शादी अपने संतान को करवा सकते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे कुंडली के सातवें भाव में वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न करता है। यहां तक कि विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन विवाह होने के बाद आपने अक्सर सुना है कि शादी के 17-17 साल, 20-20 साल, 25-25 साल होने के बाद भी दाम्पत्य जीवन कई बार अलगाववाद हो जाते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है सर? तो उसमें सातवें घर में बना हुआ पितृदोष हमारे जीवन में डालता है बहुत ही बुरा असर। इतना ही नहीं, कभी कभी आपने सुना होगा पति पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं लेकिन एक का मुंह इष्ट दूसरे का मुंह वेष्ट। क्यों ऐसा, क्यों आखिर क्यों? क्योंकि उसके कुंडली में बना है सातवें घर में पितृदोष, और सातवें घर का पितृदोष वैवाहिक जीवन में असर तो डालेगा डालेगा। अक्सर एक छत के नीचे एक बिस्तर पर रहने के बाद भी ऐसा देखा गया है कि वो लोग सिर्फ सामाजिक मान्यताओं को मानने के लिए पति पत्नी का धर्म निभा रहे हैं लेकिन दिल से या जिस्मानी तौर पे वो पति पत्नी का रिश्ता कब का टूट चुका है, लेकिन समाज वालों को दिखाने के लिए बदनामी के डर से कि नहीं। आज भी हमारे वैदिक समाज में कई ऐसे मतलब लोग होते हैं कि वो लोग तलाक को अच्छा नहीं मानते हैं, तो तलाक के बदनामी के दाग से बचने के लिए ऐसे जातक वैवाहिक धर्म को निभा रहे हैं लेकिन कोई संबंध रहा नहीं इसके साथ। और कई बार देखा गया है कि दोनों के बीच में ईर्ष्या, झगड़ा, लड़ाई, छोटी छोटी बातों पे अहंकार, ईगो फैक्टर, नहीं मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे अंदर कमी नहीं, मैं सत्य हूं, मैं हमेशा सत्य हूं, मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, मैं ही हूं। अब जान ले मैं किसी का नहीं चला, मैं भगवान विष्णु को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, श्री हरि को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मैं जहां आ गया वहां अहंकार आ गया और अहंकार कभी किसी चीज का शुभ फल नहीं देता है। तो दर्शकों यहां पर किसी दोनों में से किसी एक को मैं आ जाता है और मैं यानी ईगो फैक्टर, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ईगो फैक्टर, और ईगो फैक्टर की वजह से ऐसा देखा गया है कि हमारे जीवन में फिर छोटी छोटी बातों के लेके वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश वैमनस्य दूरियां परस्पर बढ़ती जाती हैं और अंत तलाक के नौबत तक आ जाती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है दर्शकों कि विवाह हो जाती है, सब कुछ सही चल रहा है लेकिन पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को ऐसी गंभीर बीमारी या परेशानी का सामना करना पड़ता है कि किसी एक की मृत्यु तक हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया, चलो मृत्यु नहीं हुई लेकिन जीवन भर बीमारी में, कलह में, क्लेश में, कष्ट में हमारे जीवन बिल्कुल डिप्रेशन माइग्रेशन का शिकार हो रहे हैं और हमारा जीवन बिल्कुल, कहते हैं जीवन स्वर्ग सा होना चाहिए लेकिन नरक सा बदल जाता है, तब्दील हो जाता है नरक में। फिर समझ सकते हैं उस जातक, आदमी सुबह से शाम तक ऑफिस में रहता है, ऑफिस से घर आता है, यदि शाम में अगर हम घर आएंगे तो हमारे जीवन साथी चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो उसके जीवन साथी से बात करके हम अपने जो भी दिन भर का हमारा टेंशन हमारा फ्रस्ट्रेशन वो मिट जाए, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन को मिटने के बदले क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन और वहां बढ़ती है और फिर आदमी कई बार तो सुसाइड तक करने की नौबत आ जाती है। इसलिए इस बात को जानना जरूरी है कि कुंडली का सातवां घर पितृदोष कितना ज्यादा देता है घातक असर, और कैसे कर सकते हैं इसकी समस्या का समाधान हम आपको बताएंगे जरूर, लेकिन आप लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते रहें। दर्शकों इसके साथ यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं या किसी भी तरह के अपने कुंडली का, जरूरी नहीं आपकी कुंडली में पितृदोष ही हो, जरूरी नहीं कि कुंडली के साथ में भाव में ही पितृदोष हो, जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में सिर्फ कोई दोष ही हो सकता है लगा है कोई राजयोग, कोई महालक्ष्मी योग, कोई गज केसरी योग, कोई चंद्र मंगल योग जो बना दे आपके जिंदगी को उन्नति और तरक्की के रास्ते पर प्रगति दिलाए, लेकिन इन सभी बातों को जानने के लिए कराना होता है हमें अपना कुंडली दर्शन, और कुंडली दर्शन कराने के लिए सिंपल अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस बताना होता है, और वो जब आपके पास अगर है और नहीं भी है तो आप मुझसे किसी भी तरीके से संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। उस संपर्क सूत्र आप मुझे 9990080052
999-00-800-52 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमें मेल आईडी पे darshankundli@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं, darshankundli@gmail.com, या आप हमारे वेबसाइट www.kundlidarshan.com पे लॉगिन भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, यहां पर हमने देखा कि कुंडली के सातवें भाव में यदि पितृ दोष का निर्माण होता है तो किस प्रकार से गंभीर समस्या हमें देता है और कैसे इस समस्या से हम पीड़ित होकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अक्सर आज के समय में यह समस्या सबसे ज्यादा होती है। इसके साथ कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सातवां घर सिर्फ विवाह या शादी का ही नहीं, सातवां घर हमारे व्यापारिक स्थल को भी दर्शाता है, हमारे कार्य क्षेत्र को भी दर्शाता है। ऐसे जातक को व्यवसाय में कई बार बदलना पड़ता है, अपने व्यवसाय को बार बार बदलना पड़ता है, लेकिन फिर भी ऐसे जातक को व्यवसाय बदलने के बाद भी व्यवसाय में उन्नति नहीं मिलती है, प्रगति नहीं मिलती है, तरक्की नहीं मिलती है, अवनति होती जाती है और इसके वजह से उनको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो व्यवसाय में कार्य क्षेत्र में रह रहकर समस्या उत्पन्न करता है ऐसे जातकों के जीवन में। पितृदोष एकमात्र समस्या है। वैसे कई बार ऐसे जातक को ऐसा भी देखा गया है कि गुप्त रोग जैसी समस्या भी उत्पन्न होती है। गुप्त रोग किससे संबंधित? गुप्त रोग वैवाहिक जीवन में अपने लाइफ पार्टनर को खुश ना कर पाए या उनके शक्राणु में पुत्र की प्राप्ति के लिए कमी आ जाए, तो ऐसे गुप्त रोग भी हमारे जीवन में कई बार दे देता है। कई बार ऐसा होता है कि इन कारणों से व्यक्ति परेशान होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इस वजह से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसमें से किसी भी प्रकार की समस्या है तो बस छू मंत्र में आपके समस्या का होगा समाधान। बस देखते रहें हमारे इस वीडियो को, लाइक करें, शेयर करें और अंत तक देखें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन, YouTube में अगर आप देख रहे हैं तो नीचे लाल कलर का एक बटन होगा जिसको आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे लेटेस्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे इस समस्या के समाधान के बारे में। आज हमने बताया कि कैसे बेलपत्र और कच्ची लस्सी की युति से मिलेगी पितृदोष की मुक्ति। तो दर्शकों, यदि आपको इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या है तो कुछ नहीं करना है आपको। कल सोमवार का दिन है, पितृ पक्ष का समय चल रहा है, इतना शुभ पावन समय चल रहा है। इस पावन समय में आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आपको 21 बेलपत्र तोड़ के लाने हैं। कोशिश करें कि वो बेलपत्र तोड़ते समय नीचे ना गिरे हो, जमीन पे ना गिरा हो। उस बेलपत्र को लाएं, साफ पानी से उसको पहले धो लें, उसके बाद उस पर गंगा जल का छिड़काव करें, उसके बाद उस बेलपत्र को और कच्ची लस्सी को लेकर अपने आसपास में किसी भी शिव मंदिर पे जाएं और भगवान शिव के मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ाएं, उसके बाद कच्ची लस्सी चढ़ाएं। और कच्ची लस्सी चढ़ाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक मंत्र का जाप करना है वहां पर। ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः। बस इस मंत्र का जाप करना है 21 बार मात्र। करना क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ बेलपत्र 21 बेलपत्र लाने हैं, 21 बेलपत्र लाने हैं और उस बेलपत्र को साफ यानी स्वच्छ जल से धोना है। धोने के बाद उस बेलपत्र को और साथ में कच्ची लस्सी ले जाकर आसपास के शिव मंदिर में जाना है, शिवलिंग पर उस बेलपत्र को रखना है, फिर कच्ची लस्सी उस पर अर्पित करना है और अर्पित करते समय 21 बार बोलना है ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः। देखेंगे कैसे आपके जीवन में आ जाएगा अपार सफलता। और ऐसा ज्यादा नहीं, आपको कल सोमवार है, आप चाहें तो कल से करें, बहुत ही पावन समय है। पितृ पक्ष के सोमवार से किया हुआ ये उपाय मैं दावे के साथ कहता हूं 21 दिन आप लगातार कर लें, सिर्फ 21 दिन। 21 दिनों के अंदर आपको अपने जीवन में अभूतपूर्व सफलता अगर ना दिखाई दे तो आप मुझे बोलना पंडित जी सफलता नहीं मिलेगी। समस्या अगर सेम होगा तो निश्चित रूप से सफलता भी जैसा मैंने बताया सेम ही मिलेगा। तो दर्शकों, आप सिर्फ इस एक छोटे से उपाय से, छोटा सा उपाय करना है। देखो, कर्म तो करना है। आप सोचो कि सब कुछ सिर्फ पंडित जी बता दिए चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखो, एक बात जान लो आप कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस्फल चाखा। अर्थात कर्म के प्रधान पूरा विश्व है, विश्व में जो भी करता है अगर कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। कर्म किस प्रकार से है उसका आपको एक छोटा सा उल्लेख सुनाना चाहूंगा कि बारिश और कुएं, बारिश एक प्रकार से मान चलो भाग्य के समान है और कुआं जो है कर्म के समान है।
बारिश में नहाना तो आसान होता है, लेकिन आप प्रतिदिन नहाने के लिए बारिश का इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन अगर कर्म कृषिशील आदमी है, आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, कर्म करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, परिश्रम करना जानते हैं, तो आप कुएं, कितना भी गहरा कुआं हो, गर्मी के मौसम में क्या होगा, एक हाथ नीचे चला जाएगा पानी, आप रस्से को और डालकर थोड़ा सा एक हाथ और खींचकर उस पानी को निकालेंगे, फिर स्नान भी कर सकते हैं। तो कर्म अगर आप करते हैं तो कर्म के प्रभाव से आप प्रतिदिन फल की प्राप्ति करते हैं। भाग्य के सहारे सिर्फ बैठ के नहीं रहना चाहिए, इसलिए कर्म करना पड़ेगा। पूजा में भी कर्म, श्रद्धा और कर्म, ये दोनों ही चीज जरूरी है। श्रद्धा बिल्कुल, श्राद्ध का कर्म भी श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए और निश्चित कर्म के साथ होना चाहिए। तो 21 दिन श्रद्धा कर्म के साथ इस कार्य को करें, आपके जीवन में आएगा आनंद और मिलेगा आपको अपने हर क्षेत्र में परमानंद की सफलता। तो दर्शकों, अगर आपको हमारा इस वीडियो को अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। और आप एक बात और जान लें, अगर आप किसी भी व्यक्ति को, मान के चलो आपने इस हमारे वीडियो को शेयर किया या लाइक किया, अब आपके वजह से कोई 10 व्यक्ति अगर हमारे वीडियो को और देख रहे हैं और उन्होंने इस उपाय को किया, अब आप समझ सकते हैं अगर उनको समस्या में समाधान की प्राप्ति हुई तो आशीष तो आपको भी मिलेगा, पुण्य तो आपको भी मिलेगा, स्नेह तो आपको भी मिलेगा, सफलता तो आपको भी मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर इसी समय